नेम इज लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल की वीडियो में अपन देख चुके हैं कि नाउन को कैसे पहचानते हैं, कहाँ पर उसका यूज होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, सारी चीजें अपन देख चुके हैं। तो आज उसकी अपन एक्सरसाइज देखेंगे कि कैसे उसको यूज करते हैं, कहाँ पर उसको पहचानते हैं। जैसे मैंने कल पहचानना बता दिया, लेकिन उसको पहचानते कैसे हैं, देखे तो उसे कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो आज पार्ट में पहले का पूरा रिवाइज करते हैं कल का, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नाउन। नाउन के कल अपने चार पार्ट में पढ़ा था, कितने पार्ट में, चार पार्ट में। फिर देखिए डेफिनेशन, क्या थी डेफिनेशन। नाउन वही है जिसको अपन देख सकते हैं, जिन चीजों को अपन देख सकते हैं वो सब नाउन है, चाहे वो कोई पेन हो, कॉपी हो, रजिस्टर हो, किसी की फीलिंग हो, किसी का गुस्सा हो, नॉन थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, फिजिकल, नॉन फिजिकल, कुछ भी जिसको अपन देख सकते हैं, सारी चीजें, वो सब चीजें नाउन है। ये इसकी डेफिनेशन कल के वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। फिर अपन ने डिस्कस किया था उसके टाइप्स, टाइप डिस्कस किए थे। टाइप में मैंने क्या बताया था कि दो टाइप के होती है नाउन, कौन कौन सी, या तो फिजिकल या फिर नॉन फिजिकल। कौन कौन सी, फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिजिकल में क्या ट्रिक बताया था मैंने, फिजिकल में लिखा था मैंने बॉडी, बॉडी जिसको अपना हाथ टच कर पाए, जिस चीज को अपना हाथ टच कर पाए, कोई भी चीज हो, चाहे कोई भी चीज नॉन लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, जिसको अपना हाथ टच कर पाए वो भी नाउन है। तो इसमें मैंने बताई थी बॉडी, जिसको अपना हाथ टच कर, अपना हाथ टच कर पाए वो बॉडी, तो वो चीज फिजिकल नाउन हो जाएगी। नॉन फिजिकल नाउन को जिसको अपना माइंड टच कर पाए, जैसे किसी से गुस्सा, लेकिन उसको गुस्से को तो अपन टच नहीं कर पाते, लेकिन उसको माइंड में देख पाते हैं ना कि हाँ ये गुस्सा है, तो दूसरा हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स में, जिसको अपना माइंड टच कर पाए, ठीक है। जिसको हाथ कर पाए जो फिजिकल थिंग्स हो जाएगी, जिसको अपना माइंड टच कर पाए नॉन फिजिकल थिंग्स हो जाएगी, तो दोनों भी नाउन हो जाएगी। फिर अपन ने डिस्कस किया था यूज, यूज का आप बताओ नाउन का, दो ही जगह यूज होता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, दो ही जगह जो होता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन डिस्कस किया था, पहचान, तो कैसे पहचानते वो मैंने बताया था, क्या बताया था, रिदम बताया था मैंने, तुम्हारा पेन तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक। उसके बाद कोई शब्द जिसका पता करना है उसको ले आओ, जैसे कॉन्फिडेंस का पता करना है, कॉन्फिडेंस नाउन है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, तुम्हारा पेन तुम्हारे रजिस्टर तुम्हारा कॉन्फिडेंस, अगर बोलने से लगा तो कॉन्फिडेंस है वो नाउन है, मतलब बोलने का ही खेल है पूरा। अगर जो चीज आपको बोलने में सही लगी इस रिदम के अनुसार, जो रिदम बनाया मैंने, तुम्हारा पेन तुम्हारा रजिस्टर तुम्हारा कॉन्फिडेंस, बोलने में सही लगा तो कॉन्फिडेंस नाउन है। तो क्या बताई थी मैंने, योर पेन योर बुक। अब जिसका ही पता करना, जिसे कॉन्फिडेंस का पता करना था, तुम्हारा तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तो बोलने में सही लगा कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस नाउन हो जाएगी। ये अपने कल देखा था पूरा, अब एग्जांपल देखते हैं, इसको रब कर देते हैं पूरा। ठीक, आज एग्जांपल देखेंगे, कल अपन नेगेटिव पेज है, मस्त वाले ट्रिक है, उसको देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। पहले रिदम लिखता हूं, रिदम कौन सी थी अपनी, वो योर पेन योर बुक। अब किसी भी चीज का लिखना हो, जैसे अब निकालना अपन कॉन्फिडेंस का निकालना, कॉन्फिडेंस नाउन है या नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, तुम्हारा पेन तुम्हारे रश तुम्हारी बुक तुम्हारा कॉन्फिडेंस, बोलने में सही लगा, रिदम यही है, अगर बोलने में तो वह चीज तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब मैं सपोज यहां पर लिख, योर कॉन्फिडेंस लिख देता हूं यहां पे, कॉन्फिडेंट, तो बोलो तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारा कॉन्फिडेंट। अब ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा बोलने में, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारा कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये चीज नहीं जम रही, नहीं बोलते अपन तुम्हारा कॉन्फिडेंट, कभी नहीं बोला आपने, आपने कभी नहीं बोला तुम्हारा कॉन्फिडेंट भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंट फादर, तो कॉन्फिडेंट क्या है, कुछ ना कुछ ले रहे होंगे आप, तो कुछ ना कुछ ले रहे, तो क्या ले रहे हैं वो, जैसे मैंने यहां लिखता हूं कॉन्फिडेंट फ्रेंड लिख दिया मैंने, कॉन्फिडेंट है,
ये जो कॉन्फिडेंट है, जैसे मैंने बोला तुम्हारा तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा कॉन्फिडेंट, तो जो बोलने में सही नहीं लग रहा, तो इसके आगे कुछ मांग रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंट व्हाट, अपने आप मांग रहा है ना क्या, मेरा कॉन्फिडेंट क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड। फ्रेंड क्या है, नाउन है, फ्रेंड नाउन है ना, फ्रेंड को चूज सकते हैं, नाउन है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा फ्रेंड, बोलने में सही लग रहा है, तो ये चीज तो हो गई नाउन। तो फिर ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे बीच में क्या लिखा, तुम्हारा कॉन्फिडेंट फ्रेंड, तो ये चीज क्या है, क्या है बताओ, ये है एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, तो जो कॉन्फिडेंट है ना इस नाउन की विशेषता बता रहा है, और कैसे बता रहा है बताओ, जो फ्रेंड है ये जो एडजेक्टिव इसकी विशेषता बता रहा है, कैसे बता रहा है, फ्रेंड, कैसा फ्रेंड, यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछो, कैसा फ्रेंड, कैसा फ्रेंड, हाउ, कैसा फ्रेंड, कॉन्फिडेंट फ्रेंड, कैसे का जवाब दे रहा है, अगर नाउन से कैसा का क्वेश्चन पूछने पर कैसा फ्रेंड, अगर ये वर्ड अगर अपना आंसर देता है कैसा फ्रेंड, कॉन्फिडेंट फ्रेंड, तो ये चीज क्या है, एडजेक्टिव है, क्वेश्चन क्या है भी सही, क्यों, फ्रेंड, कैसा फ्रेंड, कॉन्फिडेंट फ्रेंड, जैसे ये इससे क्वेश्चन पूछा, हाउ से कैसे से क्वेश्चन पूछा, तो इस पे आंसर दे रहा है ना, कैसा फ्रेंड, कॉन्फिडेंट फ्रेंड, ये एडजेक्टिव है। सिमिलरली और देख लेते हैं, योर पुअर, ये मैंने पुअर लिख दिया, अब ये एडजेक्टिव, ये नाउन है या नहीं पता करो, कैसे पता करते हैं, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा पुअर, बोलने में सही नहीं लगा ना, तेन की ये चीज नाउन नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा पुअर, तुम्हारा पुअर, बोलने बोलते भी नहीं है, तो बोलते नहीं करके एकदम जो बनाई थी अपन ने, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, इसके साथ सही नहीं बैठा, जैसे तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक तो सही बैठ रहा है, लेकिन तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी तुम्हारी पुअर नहीं बैठ रहा, तो ये चीज क्या है, नाउन नहीं है। अब नाउन नहीं है तो तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारे पुअर, तुम्हारे पुअर, इसे अगर अगर कुछ लिख देते, जैसे अपन फ्रेंड लिख दिया, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा पुअर फ्रेंड, तो पुअर फ्रेंड, ये फ्रेंड क्या है, नाउन है, मैंने पहले बता दिया, चूज सकते हैं फ्रेंड को, तो ये चीज क्या है, ये एडजेक्टिव है, नहीं ये एडजेक्टिव, जैसे मैंने यहाँ बोला तुम्हारा पुअर, अपने आप पूछ रहा है क्या, मेरा पुअर क्या, तुम्हारा पुअर, तुम्हारा गरीब क्या, दोस्त, तो गरीब दोस्त, ये पुअर क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वही होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आज एग्जाम्पल ही डिस्कस करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे रिदम बनाते हैं, किसी रिदम से अगर सही बैठ गया, अगर बोलने में सही लगे रिदम, तो वो चीज ना होने, इसे मैं आप लिख देता हूं, नेचुरल, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा नेचुरल, या तुम्हारी नेचुरल, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी नेचुरल, तुम्हारी नेचुरल बोलने में अजीब लग रहा है ना, हाँ इसका भी कुछ और लगा देते तब सही लग जाएगा बोलने में, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी नेचुरल स्किन बोल देते हैं, या कुछ भी लिख दो, कुछ भी नेचुरल बिहेवियर, कुछ भी लिख दो, बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, बिहेवियर क्या हो जाएगा, नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बिहेवियर, बिहेवियर को अपन छू नहीं सकते लेकिन अपन माइंड में छू सकते, तो ये चीज नाउन हो जाएगी, स्किन को अपन छू सकते हैं तो अपन छू सकते हैं, ये भी नाउन हो जाएगी, तो फिर ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, कैसे बताते हैं इसको, ऐसे एडजेक्टिव अपने अगले वीडियो में देखेंगे, जैसे इसके लिए तुम्हारा, तुम्हारे लिए नाउन के लिए ठीक है ना, वैसे एडजेक्टिव लेकिन मस्त वाले ट्रिक है, पूरा खेल है एडजेक्टिव का भी, अभी इसको मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि नाउन के साथ इसको अटैच होता है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, अगला वीडियो एडजेक्टिव का ही है, तो उसमें अच्छे से कवर हो जाएगी आपकी, तो एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है स्किन की, कैसी स्किन, हाउ से क्वेश्चन पूछो, या इससे क्वेश्चन पूछो, हाउ से क्वेश्चन पूछो, हाउ यानी कैसे से क्वेश्चन पूछो, कैसा या कैसे, कैसी स्किन, नेचुरल स्किन, इसको मतलब क्वालिफाई कर रहा है ना, ये नेचुरल है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, स्किन की विशेषता बता रहा है, बिहेवियर की विशेषता बता रहा है, नेचुरल कैसी स्किन, नेचुरल स्किन, कैसा बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर, तो ये क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या है, एडजेक्टिव है, इसकी इसका इसका क्या बताते हैं, इसके नाम बनाते हैं, तो इसकी नाम क्या बनेगी, इसकी नाम बन जाएगी नेचर, इसकी नेचर क्या है, नेचर क्या है, नाउन है, नाउन है ना, जैसे अब्रिदम, अब्रिदम, अब्रिदम बनाओ, अब्रिदम एकदम सही बैठे, कैसे बनेंगे, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा नेचर, बोलने में सही लगा, बोलते भी है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। ग्रोथ ले लेते हैं, जैसे मैं पहले आप लिखता हूँ ग्रो, अब ग्रो क्या है, वर्ब है, अब बोलो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा ग्रो, नहीं है ना, बोलने में सही, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा ग्रो, बोलने में सही लगा, नहीं लगा, लेकिन यहाँ लिख देते हैं ग्रोथ, ग्रोथ क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी ग्रोथ, बोलने में सही लगा, तो ये चीज नाउन हो जाएगी, बस नाउन की यही ट्रिक है,
बोलने में सही लगा आपको जो भी आपने बोला तुम्हारे पे तुम्हारे बुक करके अगला जो बोला आपने अगर बोलने में सही लगा तो वो चीज नाउन है ठीक है कुछ भी ले लो मैंने फ्रेश पहले फ्रेश ले लेते हैं है ना तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारा फ्रेश अब तुम्हारा फ्रेश फ्रेश पूछता तुम्हारा फ्रेश व्हाट जैसे फ्रेश रूम लिख देते हैं यहाँ पे नाउन है और ये जो फ्रेश का इसकी विशेषता बता रहा है कैसा रूम फ्रेश रूम कैसा रूम फ्रेश रूम कैसा फ्रेंड फ्रेश फ्रेंड कैसा आम फ्रेश आम कैसा रूम फ्रेश रूम तो क्या है रूम से किसने पूछा कैसा तो इस पे ये आंसर देना है तो ये जो फ्रेश है इस रूम की विशेषता बता रहा है बता रहा है ना तो क्या है एडजेक्टिव अब इसको मैं एडजेक्टिव को नाउन मैं याद देखता हूँ फ्रेशनेस अभी फ्रेशनेस क्या है नाउन हो जाएगी अब बोलो एकदम सही बैठेगा क्या तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारी फ्रेशनेस बैठा ना सही बोलने में सही लगना चाहिए बस बोलने में बस इतनी नाउन है बोलने में सही लगना चाहिए इतना ही ऐसे ही काम करते हैं नाउन ऐसे पहचानते हैं ऐसे भी एकदम लेंस में पढ़ते हैं बस पहचाना नहीं है अगर है ना कुछ भी बस यही नाम है इतना सही है अब अगर कल का जो वीडियो देखेंगे उसमें एडजेक्टिव कवर करेंगे एडजेक्टिव के मस्त वाले ट्रिक है जैसे इसमें ट्रिक है मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरी लाइन में लेकिन मस्त ट्रिक है यार ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आपको नाम मैंने कल बता दिया था अगर थोड़ा सा भी आपको लगा हुआ कि थोड़ा समझ में नहीं आया थोड़ा सा भी मैंने वैसे पूरा निकाल रिवाइज कराया है लेकिन अगर थोड़ा सा भी लगा आपको समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो देखो एक बार नाम का जो जस्ट मैंने पहले वाला वीडियो डाला उसमें पूरा मैंने नाम को ही कवर किया आज उसके एग्जाम्पल कराएंगे तो आप उससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा बहुत हैबिट में आ जाएगा कि कैसा कैसा करके एडजेक्टिव निकालते हैं तुम्हारा तुम्हारे करके नाउन निकालते हैं तो ये सब चीजें एडजेक्टिव क्या होते हैं जो नाउन को विशेषता बताते हैं नाउन कैसे निकालते हैं रिदम बनाने तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारी ग्रोथ ग्रोथ नाउन तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारा फ्रेंड तो फ्रेंड नाउन तुम्हारा तुम्हारा करके नाउन निकाल लेंगे वैसे एडजेक्टिव भी एक मस्त वाली ट्रिक है एडजेक्टिव वैसे पढ़ेंगे पूरी इंग्लिश को ऐसे पढ़ेंगे एकदम लिंक होके एकदम पूरी इंग्लिश अच्छे से कवर हो जिसमें आप बोलने वाला अगर स्पोकन सीखना किसी को तो स्पोकन सीख सकता है अगर स्पोकन में आपको ये नहीं पता कहाँ पे नाउन आता है तो कैसे वहाँ पे एडजेक्टिव डाल दिया अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन लिखा वहाँ पे एडजेक्टिव लिखना है लेकिन वहाँ पे नाउन के सारे एग्जाम्पल अगर एक ही एडजेक्टिव का है वहाँ पे एडजेक्टिव लिख देंगे पहचान आना चाहिए पूरी इंग्लिश में कि कौन सी चीज क्या है पार्ट ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ स्पीच ही चल रहे अपने एडजेक्टिव पढ़ेंगे नाउन पढ़ेंगे वर्ब पढ़ेंगे एडवर्ब पढ़ेंगे पूरी इंग्लिश इसमें कवर हो जाएगी ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपके दोस्त हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है अच्छे से सीखना है तो उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और करंट अफेयर डेली डालता हूँ मैं 4 बजे तो उनको जरूर देखें आप उससे करंट अफेयर अच्छे हो जाएंगे साथ में जीके भी अच्छी हो जाएगी ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद।